नमस्ते राधे राधे। हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी सिक्स सेमेस्टर के बॉटनी का जो पेपर फर्स्ट है, जिसमें आपको साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, उसका सिलेबस कवर कर रही हूँ, जिसमें ऑलरेडी मैंने आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल के बारे में, और फिर सेल वॉल क्या होता है, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, क्योंकि आपके सेल में सबसे पहले हम उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को जानेंगे, देन सबसे बाहरी लेयर जो प्लांट सेल में पाई जाती है सेल वॉल उसके बारे में, और उसके बाद जो लेयर पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके बारे में हम जानेंगे। तो इतनी चीज़ों को हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। आपका सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब बारी है जिस स्ट्रक्चर को पढ़ने की जो आपके सेल के अंदर पाया जाता है। तो अगर हम बात करें इस स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने से पहले, तो अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, और आज मैं वीडियो थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ, और मैं आपका रिस्पांस जानना चाहती हूँ कि कैसा ये वीडियो बना है। उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल को, नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस जरूर करें, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले क्या स्टार्ट करना है हमें, राइबोसोम। तो मैं आपको बता दूं कि राइबोसोम में जब आप एक सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं इस तरीके से, तो न्यूक्लियस पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, उसके अलावा छोटे छोटे ग्रेनुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। बेसिकली जब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ाऊंगी, जो कि आपके न्यूक्लियस से निकलता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप देखेंगे, पढ़ेंगे दो तरीके का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरीके से स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, बेसिकली राइबोसोम उस पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम राइबोसोम के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की, कैसे सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अगर हम राइबोसोम की बात करते हैं, तो राइबोसोम की डिस्कवरी जिस साइंटिस्ट ने की थी, उनका नाम था क्लॉडे। क्लॉडे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने राइबोसोम की डिस्कवरी की थी, ठीक है। और एक साइंटिस्ट आते हैं पैलाडे, ठीक है। पैलाडे ने पहली बार इसको 1955 में कहाँ, एनिमल सेल में ऑब्जर्व किया था। बात करें किसमें, एनिमल सेल में ऑब्जर्व किया था, इसी वजह से इसको पैलाडे पार्टिकल भी कहा जाता है। तो कभी कभी आपसे राइबोसोम ना देके पैलाडे पार्टिकल पूछ लिया जाता है, तो भी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि पैलाडे पार्टिकल आप किसको कहते हैं, राइबोसोम को ही कहते हैं, ठीक है। फिर एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रॉबिन्सन एंड ब्राउन। रॉबिन्सन एंड ब्राउन की अगर हम बात करें, तो इसको पहली बार इन्होंने प्लांट सेल में ऑब्जर्व किया था। प्लांट सेल में भी कहाँ, बीन्स की जो रूट होती हैं, बीन्स की रूट में से क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर कुछ होता है। ये हो गया इसके हिस्ट्री की बात। आगे हम जानेंगे इसमें कि ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये माइन्यूट यानी कि बहुत छोटा, जैसा कि मैंने आपको दिखाया इसमें कि इस तरीके से ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, इस तरीके से ग्रेन्यूल के पार्ट में ये पाया जाता है। ग्रेनुलर ऐसा नहीं होता है, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगी। दो पार्टिकल इसमें पाए जाते हैं, लार्ज सब यूनिट, इस तरीके से लार्ज सब यूनिट, ठीक है, और फिर स्मॉल सब यूनिट, इस तरीके से पाई जाती है इसकी लार्ज सब यूनिट और इसकी स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। इसको भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, आप जानेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं अगर हम इसके स्ट्रक्चर की, तो ये कैसा होता है, माइन्यूट, और पहली बात नॉन मेम्ब्रेनस। नॉन मेम्ब्रेनस से समझ सकते हैं आप, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। जैसा कि आप सबने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, प्लास्टिड पढ़ा, पढ़ेंगे आप, तो वो क्या होते हैं सब, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, यानी कि उस पर दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन्स पाई जाती है। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक आउटर मेम्ब्रेन और इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन, लेकिन राइबोसोम में ऐसी कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, ठीक है। आगे बात करें तो ये कैसा, किस किस नाम से इसको जाना जाता है, इसको हम आरएनपी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये आरआरएनए यानी कि आरआरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोसोमल आरएनए। क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो ये आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसे हम, इसी वजह से इसे हम राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। तो ये दो स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, ठीक है। अगर हम इसके एवरेज साइज की बात करें, ठीक है, किसकी एवरेज साइज की अगर हम बात करें, तो ये क्या होता है, इसका जो डायामीटर होता है, अगर हम डायामीटर की बात करें कितने सेंटीमीटर में या कितने इसमें पाया जाता है, तो ये एवरेज 23 नैनोमीटर का होता है, ठीक है। इसका डायामीटर अगर एंगस्ट्रॉम में देखा जाए तो
230 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। ये प्रोकैरियोट सेल एंड यूकैरियोट सेल आप सभी जानते हैं कि जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है उन्हें हम प्रोकैरियोट सेल कहते हैं, और जिनमें क्या एडवांस न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस के सारे स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोलस, हिस्टोन, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं उन्हें हम यूकैरियोट कहते हैं। ये बात मैंने बहुत बार बताई है सेल को बढ़ाने से पहले, और ये बहुत बेसिक चीज़ है, इसे आपके बारे में पता होना चाहिए। तो ये दोनों में आपके प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाई जाती है। ये चीज़ क्यों मेंशन की गई है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रोकैरियोट्स में पाई जाती हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं और यूकैरियोट में नहीं पाए जाते हैं, कुछ होते हैं यूकैरियोट में पाए जाते हैं प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन आपका राइबोसोम दोनों में पाया जाता है। अगर बात की जाए तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने का चांसेस रहता है, ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल ऑफ सेल है। क्या है? स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल ऑफ सेल, ठीक है। अगर हम प्रोकैरियोट में इसकी बात करें, ठीक है, प्रोकैरियोट में इसकी बात करें तो ये फ्री स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। प्रोकैरियोट में ये कैसा पाया जाता है? फ्री स्टेट। अब ये कहने का मतलब क्या है कि प्रोकैरियोट में ये फ्री स्टेट में पाया जाता है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये किसी स्ट्रक्चर से बाउंडेड नहीं होता है। जबकि अगर हम यूकैरियोट में, यहाँ ईके का मतलब है यूकैरियोट, क्या है? यूकैरियोट, ठीक है। ये मैं लिख दूँ ताकि आप भूले ना, ईके को शॉर्ट में यूकैरियोट कहा जाता है। अगर पीके लिखा हुआ तो इसका मतलब है प्रोकैरियोट। आप भी चाहें तो ये शॉर्ट फॉर्म धीरे धीरे यूज़ कर सकते हैं, आपकी इससे बचत होती है टाइम की, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, जो यूकैरियोट में ये पाया जाता है फ्री स्टेट में पाया जाता है, किसी भी और सेल ऑर्गेनेल से बाउंडेड नहीं होगा। जबकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होता है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में उसे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है, ये अटैच्ड होता है, इस वजह से हम इसे बाउंडेड कहते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर भी मैंने आपको पहले ही बना के दिखाया, दो स्ट्रक्चर होती है इसकी, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट इसकी बड़ी होती है और स्मॉलर सब यूनिट छोटी होती है, इसी वजह से नाम भी इसका यही पड़ा है, ठीक है। अब हम जानेंगे इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि ये दो सब यूनिट से मिलकर बनी होती है, जिसमें से पहली यूनिट को क्या कहते हैं हम, स्मॉलर सब यूनिट कहते हैं, ठीक है, जो नीचे की तरफ पाई जाती है, और दूसरी यूनिट को हम क्या कहते हैं, लार्जर सब यूनिट कहते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है इसके सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट पे। कभी भी आप देखेंगे तो हमेशा आपके जो राइबोसोम्स होते हैं आप उनको देखेंगे 70S टाइप का, 80S टाइप का, ठीक है। और जब आप इसका डिवाइडेशन करेंगे तो ये इक्वली नहीं डिवाइड होता, अगर आप 70S को डिवाइड करेंगे तो ये ऐसे 30S में डिवाइड होगा और 50S में डिवाइड होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो यस होता है इसे हम सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ये ऐसा नहीं है कि दो चीज़ों को आप क्या कर रहे हैं, अलग अलग डिवाइड कर दे रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि ये लार्जर सब यूनिट अगर ऊपर वाली आप बना रहे हैं और नीचे स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है, ये बीच में ऐसे सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट से क्या होती हैं, ऐड होती हैं, और ये मिलके एक 70S बना लेती हैं जिसमें एक यूनिट सब बड़ी होती है और ये एक यूनिट छोटी। तो आप कहेंगे आप इसको जोड़कर तो ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनता है, तो इनमें इसको जोड़ने का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इनको इस तरीके से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये क्या करते हैं, मिलकर एक सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मेशन करते हैं और ये मेनली दो टाइप के होते हैं। अगर इसकी बात हम करें तो दो टाइप के इनको डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे। आप बोलेंगे वो कैसे, तो यूकैरियोट जो आपका होता है, ठीक है, अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट में ये थोड़े अलग तरीके के पाए जाते हैं और प्रोकैरियोट में थोड़े अलग तरीके के पाए जाते हैं। थोड़ा सा हम इसके बारे में जानेंगे तो टाइप्स जो होते हैं राइबोसोम के मेनली दो तरीके के पाए जाते हैं, 80S टाइप के और 70S टाइप के। क्या होते हैं? एक होता है आपका 80S टाइप का, ठीक है, दूसरा होता है 70S टाइप का। दो तरीके का राइबोसोम मेनली पाया जाता है, ठीक है। अगर 70S की हम बात करें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 70S टाइप का जो राइबोसोम होता है वो मेनली आपके प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में मेनली 70S टाइप का पाया जाता है, ठीक है। अब 70S टाइप का जो डिवाइडेशन होता है वो मेनली दो तरीके से होता है, एक लार्जर सब यूनिट में, एक स्मॉलर सब यूनिट में। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट से मिलकर ये क्या करते हैं, फिर 70S बन जाते हैं, लेकिन डिवाइडेशन इनका लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट में ही होता है, ठीक है। लार्जर सब यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो लार्जर सब यूनिट इसका 50S टाइप का होता है, जिसे हम लार्जर सब यूनिट कहते हैं, और जो इनका स्मॉलर सब यूनिट होता है वो 30S टाइप का होता है। यहाँ यस का मतलब है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ठीक है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ये कभी मत भूलिएगा, ठीक है। अब इसमें RNA के जो पार्टिकल होते हैं वो किस तरीके से पाए जाते हैं इसको भी बताया गया, क्योंकि यहाँ से बेसिकली आपके क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैंने इसे चार्ट फॉर्म में बनाया है, ठीक है। जो 30S टाइप का पाया जाता है उसमें जो RNA पाया जाता है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें जो RNA पाया जाता है वो क्या होता है, वो 16S टाइप का होता है। कैसा होता है?
16S टाइप का आरएनए होता है। कैसा होता है? 16S टाइप का, ठीक। 16S टाइप का आरएनए उसमें पाया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने मेंशन किया है कि 16S टाइप का आरएनए इसमें पाया जा रहा है। अगर हम 50S की बात करें तो इसमें जो आरएनए पाया जाता है, ठीक है, वो कैसा पाया जाता है? एक पाया जाता है आपका 5S टाइप का, ठीक है, 5S टाइप का आरएनए, आरआरएनए, 5S टाइप का आरआरएनए, जहाँ आर का मतलब है राइबोसोमल। यहाँ मैं लिख दूँ, आर का मतलब है राइबोसोमल, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। यहाँ आर का मतलब है आरएनए भी कई तरीके का पाया जाता है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, जिसको मैसेंजर आरएनए को एमआरएनए कहते हैं, ट्रांसफर आरएनए को टीआरएनए कहते हैं। और इसके बारे में आपने अपने प्रीवियस जो सेमेस्टर्स हैं उसमें ज़रूर पढ़ा होगा, तो आपको इसके बारे में पता होगा, ठीक है। तो जो आपका आरआरएनए होता है वो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यहाँ पे आरएनए कंटेंट के बारे में केवल बताया गया है। जो 23S आरएनए होता है इसे हम राइबोजाइम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? राइबोजाइम। राइबोजाइम एक ऐसा क्या है? राइबोसोम है, ठीक है, राइबोसोम है, जो किसकी तरह? एंजाइम की तरह भी वर्क करता है, कैटालिटिक एंजाइम की तरह वर्क करता है। तो अगर आपसे पूछे कौन सा आरएनए कैटालिटिक एंजाइम की तरह वर्क करता है, तो आपको पता होना चाहिए जो 23S आरएनए होता है वो कैटालिटिक एंजाइम की तरह वर्क करता है। अब हम अगर मूव करें आपके यूकैरियोटिक की तरफ, तो अगर हम यूकैरियोट की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक आरएनए क्या होता है? ये मेनली दोनों टाइप के इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, 80S भी पाया जाता है एंड 70S। यूकैरियोट में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, इसमें दोनों तरीके के पाए जाते हैं, 80S टाइप के भी और 70S टाइप के। अगर हम 80S की बात करते हैं, 80S की बात करें तो ये मेनली क्या होते हैं? दो यूनिट में डिवाइडेड होता है, ठीक है। पहला आपका 40S होता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? स्मॉलर सब यूनिट। दूसरा होता है 60S, ठीक है, जिसको कि हम लार्जर सब यूनिट कहते हैं, ठीक है। 80S जो होता है उसमें जो आरएनए पाया जाता है वो 18S आरआरएनए पाया जाता है, ठीक है। 18S आरआरएनए क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है। जबकि अगर हम 60S की बात करते हैं तो इसमें 5.8S आरआरएनए पाया जाता है, 5S आरआरएनए पाया जाता है और 28S आरआरएनए पाया जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर इसमें पाए जाते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें 70S का भी पाया जाता है, तो 70S का भी पाया तो जाता है, लेकिन और लेकिन केवल माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनमें खुद का भी राइबोसोम पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में ये एक आपकी सेल है, ठीक है, ऐसे आप कंसीडर करिए, ये आपकी एक सेल है, ठीक है। इस सेल में क्या है? राइबोसोम तो पाए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो इसका माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया है। मान लीजिए इसे मैं बाहर बनाती हूँ, इस तरीके से इसका माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है, तो जो इसका माइटोकॉन्ड्रिया होगा इसमें भी क्या होंगे? राइबोसोम पाए जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका क्या कहते हैं क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी कि प्लास्टिड या प्लास्टिड होता है, ठीक है, प्लास्टिड में ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। प्लास्टिड में आपको अच्छे से क्लोरोप्लास्ट आपको डिटेल में पढ़ना है, तो जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट आप पढ़ेंगे कि इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पाया जाता है, स्ट्रेनम, ग्रेनम, ये सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, तो इनमें भी क्या होता है? छोटे छोटे राइबोसोम पाए जाते हैं। तो जो इनमें राइबोसोम पाए जाएंगे, इनके सेल ऑर्गेनेल में पाए जाएंगे, वो क्या होंगे? 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाएंगे, ठीक है। बाकी यूकैरियोट्स के स्ट्रक्चर में कैसे आरएनए पाए जाते हैं? 80S टाइप के आरएनए पाए जाते हैं। तो आशा करती हूँ ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ें इसमें और हैं, दो तीन लाइन इसमें थोड़ी सी चीज़ें और, जैसे कि दीज टू सब यूनिट राइबोसोम आर एसोसिएटेड विथ हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन, ठीक है। जैसे दो राइबोसोम सब यूनिट आपने देखा, ठीक है, स्मॉलर और लार्जर, ठीक है, इस तरीके से आपने देखा, एक स्मॉलर सब यूनिट, एक लार्जर सब यूनिट, ये जहाँ पे एसोसिएटेड होते हैं, यहाँ पे किससे एसोसिएटेड होते हैं? मैग्नीशियम आयन से एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। अगर मैग्नीशियम आयन की कंसनट्रेशन, यहाँ पे COCN ऐसे मैंने लिखा, इसका मतलब होता है कंसनट्रेशन, ठीक है। अगर इसकी कंसंट्रेशन को हम क्या कर दें? लो कर दें, ठीक है। अगर इसकी कंसंट्रेशन को हम लो कर दें तो साइटोप्लाज्म जो इसमें पाया जाता है वो क्या होगा? वो सेपरेटेड हो जाएगा और अलग अलग आप दोनों को पा जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर पाया जाता है। अब इनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर आपने जान लिया और इनके जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लिया, ठीक है। अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में, स्मॉलर सब यूनिट में क्या क्या पार्ट होते हैं, लार्जर सब यूनिट में क्या क्या पार्ट होते हैं, ठीक है, इनका ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस के यूज में क्या काम होता है, कैसे ये वर्क करते हैं, इनका केमिकल कंपोजिशन कैसे होता है, ठीक है, और इनका फंक्शन क्या होता है, ये सब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बने रहिए इसी तरह अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।